थोड़ा जोर से बोले ना। आप सबको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी जुम्मा मुबारक। चलो अपना ड्रेस दिखाओ। वाओ बेबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। सो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करूँगी। आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तकरीबन 11 से 12 दिन हो गए हैं और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पता नहीं दिल ही नहीं करता आजकल व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि व्यूज़ इतने कम होते हैं कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे व्यूज़ ही नहीं मिलते, तो फिर क्या फ़ायदा। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं। पता नहीं आप लोग मुझे मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अगर आप मुझे मिस कर रहे थे तो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं भी कर रहे थे तो भी कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी। वैसे भी आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है और आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हम तो हैं बस पाकिस्तान के मैच देखते थे और उसके बाद इतने सैड हो जाते थे कि व्लॉग बनाने को तो दिल ही कर रहा ही नहीं था। लेकिन अभी जो है ये सिचुएशन हुई है वर्ल्ड कप में, जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के चांसेस जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अभी मेरा ख़्याल से तो 2-3-4% चांसेस पाकिस्तान के हैं कि शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए, क्योंकि कुदरत का निज़ाम जो है वो तो अपना काम कर रहा है। बस अब हमारी टीम को करना है अपना काम, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो अभी लास्ट होप है, हम जो है उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का मैच हो, पाकिस्तान जो है न्यूज़ीलैंड को हरा दे और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच खेलेगी, उसको भी हरा दे और हमारी टीम पहुँच जाए सेमीफाइनल में। लेकिन हम सब तो ये बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। अब हमारी टीम ने क्या सोचा हुआ है, वो क्या परफॉर्मेंस देगी, वो तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही हमें पता चलेगा। सो आप सब भी दुआएं करें, मैं भी दुआएं करती हूं, और कुदरत का निज़ाम तो काम करना शुरू हो ही गया, तो इंशाल्लाह कल का मैच अच्छा होगा। और अभी कर लेते हैं कुछ काम। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी मैंने आप लोगों से बातें कर ली, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो घर में आए थे कुछ फ्रूट्स, तो ये मैंने धोकर जो है अच्छे से निकाल कर रख लिए हैं। कुछ बनाना है, आजकल बनाना भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और स्पेशल ये फ्रूट जो कि है जापानी फल, जो मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो उनके लिए हम स्पेशल लेकर आ जाते हैं। अब आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे जापानी फल कहते हैं और कुछ लोग अमलोक कहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। और साथ में है मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट ग्रीन अमरूद, कच्चे अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अभी फ़्रेश जो है दरख्त से टूट कर आए हैं, तो हम इन्हें जो है पकाएँगे नहीं बल्कि कच्चा ही खा लेंगे। आजकल ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ जो है घर की रूटीन ही शेयर कर लेती हूँ, और ये भी व्लॉग आपको बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग को मेरे घर के व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं। तो बस अब फ्रूट्स तो धो लिए हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं। तो आपने पूरा व्लॉग मेरा देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सो यहाँ पर रेडी हो रही है मैक्रोनी, जिसकी प्रिपरेशन जो है हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि मैक्रोनी बॉयल हो जाए, तो उसके बाद हम इसको मज़ेदार सा सोसेस के साथ रेडी करेंगे, और आप हमारी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो गाइस पाकिस्तान में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। देखें लाइट भी चली गई है और गैस भी चली गई है। अब गैस इतनी ज़्यादा स्लो है कि हम मैक्रोनी बना रहे थे तो वो तो पता नहीं बन पाएगी या नहीं पाएगी, और साथ में लाइट भी नहीं है। अब बंदा क्या करे, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो आप देखो ये कितनी सी गैस आ रही है, जनरेटर भी ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैक्रोनी का मसाला तो रेडी हो चुका है और मैक्रोनी भी बॉयल हो गई है, तो बस अब हम मैक्रोनी को रेडी करते हैं और फिर आप सकते हैं।
तो जो थोड़ी बहुत गैस आ रही थी उस पर ही हमने तैयार कर ली अपनी मज़ेदार सी मैक्रोनी, और ये रेडी होकर बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी उठें, जाएं किचन में मैक्रोनी बनाएं और खाएं, क्योंकि जब आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा तो हम जो है मैक्रोनी खा चुके होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। 4 hours later. वाओ, ये ड्रेस कहाँ से लिया आपने? सऊदीया से मंगवाया है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये किसका बर्थडे है? बेबी का 365 डे बर्थडे। हाँ, चलो सिट डाउन, हम केक कट करते हैं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे 365 डेज इरहा, हैप्पी 365 डेज इरहा। चलो खिला दो। ओयो लो, तो इरहा तो अपनी बर्थडे के लिए दीवानी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, बस कहती है कि मैं केक काट लूँ। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 12 बजने में रात के 10 मिनट, और मैं अभी खाना खाने लगी हूँ जी। हाँ, पहले मैंने खाना नहीं खाया, इससे पहले मैं चली गई थी वॉक पे और वॉक करके आई हूँ, तो तब भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अभी खा लेती हूँ खाना। और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।